हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टी आर लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे एडिशन एंड सबट्रैक्शन, आज पढ़ाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन। एक डिजिट वाला, दो डिजिट वाला, उसके बाद तीन डिजिट वाला। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन के लिए दो से लेकर दस तक पारा याद होना ज़रूरी है, क्योंकि पारा याद नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना नहीं कर सकते इजीली। तो एक नंबर से देखते हैं कैसे करते हैं। 42 को दो से गुना करना है, तो दो के दो दो बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, दो एकम दो, दो दो दूनी चार। उसके बाद दो को दो चार बार पढ़ना पड़ेगा, दो के दो दूनी चार, द्वितीया छः, दो चौक आठ, कितना हो गया 84 आंसर हो गया। उसके बाद दो नंबर देखते हैं, 322 को तीन से गुना करना है, तो तीन के तीन दो बार पढ़ना है, या दो है तो दो बार पढ़ेंगे, तीन के तीन, तीन दूनी छः। उसके बाद फिर यहाँ दो है, फिर तीन के तीन दो बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, छः होगा। उसके बाद तीन के तीन तीन बार पढ़ना है, तीन के तीन, तीन दूनी छः, तीन त्या नौ, कितना हो गया 966। इसी तरह से तीन नंबर को भी करना है, 523 को चार से गुना करेंगे तो चार के चार तीन बार पढ़ना पड़ेगा, या तीन है तो तीन बार पढ़ेंगे, चार के चार चंद आठ, चार त्या बारह, तो बारह का दो हाथ में रहे, एक हासिल एक रहेगा। उसके बाद चार के चार यहाँ दो है तो दो बार पढ़ेंगे, चार के चार चंद आठ और एक, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया नौ। उसके बाद चार के चार पाँच बार पढ़ना पड़ेगा, चार के चार चंद आठ, चार त्या बारह, चार चौक सोलह, चार पंचे बीस, तो बीस का जीरो हासिल दो, इसको बैठा देंगे कितना हो गया 2092। अब चार नंबर में दो डिजिट वाला है, इधर क्या किया एक डिजिट वाला, अब दो डिजिट वाला बनाएंगे। तो क्या है, तीन को जीरो से गुना करेंगे कितना होगा, जीरो ही होगा। फिर तीन को आठ से गुना करेंगे, तीन के तीन आठ बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, 24 का कितना लिखेंगे चार, हाथ मेरा दो, ठीक है। फिर तीन के तीन चार बार पढ़ेंगे कितना होगा 12 होगा, 12 को दो दो जोड़ देंगे हासिल तो कितना हो गया 14। उसके बाद अब इसको यहाँ करना है तो यहाँ पहले जीरो के नीचे मल्टीप्लिकेशन का यानी गुना का साइन दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद तीन को जीरो से गुना करेंगे कितना होगा, जीरो ही होगा। तीन को आठ से गुना करेंगे कितना होगा, तीन आठ चौबीस, चौबीस का क्या लिखेंगे चार लिखेंगे, हाथ मेरा दो, यहाँ लिख दिए हासिल। उसके बाद फिर तीन को चार से गुना करेंगे कितना होगा, बारह होगा, तीन चौक बारह, बारह आठ दो चौदह। फिर उसके बाद एक तो लाइन यहाँ खींचना है, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जीरो का जीरो ही, चार को जीरो से जोड़ेंगे तो कितना होगा चार होगा। फिर उसके बाद चार को चार से जोड़ेंगे कितना होगा आठ होगा। फिर उसके बाद एक को चार से जोड़ेंगे कितना होगा पाँच हुआ। फिर उसके बाद एक एक ही बैठ गया कितना हो गया 15840। फिर उसी तरह से पांच नंबर भी करना है, कितना है 832 को 43 से गुना करना है। फिर पहले इससे करेंगे, तीन को दो से गुना करेंगे कितना होगा छः होगा, ठीक है। फिर तीन को तीन से गुना करेंगे कितना होगा, तीन क्या नौ होगा। फिर उसके बाद तीन को आठ से गुना करेंगे, तीन आठ है चौबीस, चौबीस का कितना होना है चार, हाथ मेरा दो, और कुछ नहीं है तो यहाँ हासिल को बैठा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ गुना का साइन दे देंगे एक अदद के बाद छः के नीचे। फिर चार को दो से गुना करेंगे, चार दूनी आठ। फिर उसके बाद चार को तीन से गुना करेंगे कितना होगा, चार से बारह का दो लिखेंगे, हासिल एक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर चार के चार कितना आठ बार पढ़ेंगे, चार आठ है बत्तीस। उसके बाद क्या होगा, 32 को एक से जोड़ेंगे कितना होगा 33 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे कितना होगा, जोड़ेंगे छः का छः। उसके बाद नौ को आठ से जोड़ेंगे, नौ आठ सत्रह, सत्रह का सात, हाथ में एक, चार आठ एक पाँच, पाँच आठ दो कितना हो गया सात, फिर सात हो गया, सात लिख दिए। उसके बाद दो और तीन को जोड़ेंगे कितना होगा पाँच, उसके बाद तीन का तीन ही तीन, 3577 हो गया। अब देखते हैं छः नंबर, छः नंबर में तीन डिजिट वाला है, हम लोग एक डिजिट वाला, दो डिजिट वाला सीख लिए, अब तीन डिजिट वाला बनाते हैं, ठीक है। तो इसको फिर तीन को दो से गुना करेंगे उसी तरह से, तीन दूनी छः लिख दिए। उसके बाद तीन को चार से गुना करेंगे, तीन चौक बारह का दो, हाथ मेरा एक लिख देंगे साइड में, हासिल को एक को। उसके बाद तीन को तीन से गुना करेंगे कितना होगा, तीन तीन नौ होगा, नौ को फिर एक से जोड़ेंगे कितना होगा दस, दस का जीरो, हाथ मेरा एक, यहाँ लिख दिए, ठीक है हासिल को। उसके बाद तीन को सात से गुना करेंगे कितना होगा, तीन सात है इक्कीस, एक यहाँ जोड़ देंगे कितना होगा 22 हो गया, 22 का 22 लिख दिए। फिर उसके बाद एक डिजिट के नीचे गुना का साइन दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पाँच को दो से गुना करेंगे, पाँच दूनी दस, दस का जीरो हासिल एक, यहाँ लिख दे, ठीक है। फिर पाँच को चार से गुना करेंगे, पाँच छः बीस आठ एक, इक्कीस का एक, हाथ मेरा दो, यानी हासिल यहाँ दो होगा, ठीक है। फिर पाँच को तीन से गुना करेंगे कितना हो गया, पाँच तेरह पंद्रह और दो कितना हो गया सत्रह, सत्रह का सात हासिल एक, ठीक है। उसके बाद पाँच को सात से गुना करेंगे, पाँच सात है पैंतीस आठ एक कितना हो गया छत्तीस, यहाँ छत्तीस लिख दिए। फिर उसके बाद जीरो के नीचे एक अदद के नीचे गुना का साइन दे देना है।
फिर उसके बाद दो बार पढ़ना है तो कितना होगा, दुगनी चार। फिर उसके बाद दो चार बार पढ़ना है तो कितना होगा, दो चौक आठ। फिर उसके बाद दो तीन बार पढ़ना है तो कितना होगा, दो त्या छः। उसके बाद दो सात बार पढ़ना है कितना होगा, चौदह। अब इसको जोड़ देना है, उसको जोड़ेंगे कितना होगा, छः का छः ही होगा। दो को जीरो से जोड़ेंगे तो कितना होगा, दो ही होगा। उसके बाद यहाँ जीरो है, एक है, उसके बाद चार को कितना, पाँच हो गया। ठीक है, दो और सात कितना हो गया, नौ। नौ और आठ कितना हो गया, सत्रह हो गया। सत्रह का सात हासिल, एक एक को यहाँ जोड़ देंगे कितना होगा, दो और एक तीन, तीन और छः, छः तीन नौ हो गया। नौ और छः पंद्रह, पंद्रह का पाँच हो गया। हाथ मेरा एक हासिल, एक एक को तीन से फिर जोड़ेंगे कितना होगा, चार। चार को चार से जोड़ेंगे कितना हो गया, आठ हो गया। उसके बाद एक फिर आ गया, कितना हो गया, इक्कीस, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, दस लाख, अट्ठारह लाख, सत्तावन हज़ार, पाँच सौ छब्बीस हो गया। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।